पॉइंट है ट्रेसपास का, ट्रेसपास टू गुड्स. ट्रेसपास टू गुड्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने क्या करा, हमने किसी की प्रॉपर्टी ली या फिर हमने किसी को असॉल्ट किया, बैटरी की, मैम किया, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. अब हम गुड्स की बात करें. मैं आपके घर में आई और आपका ये पेन रखा था, मैंने ये पेन उठा लिया, ट्रेसपास कर लिया. दिस इज ट्रेसपास टू गुड्स. मतलब कि मैंने आपकी चीज को आपसे पूछे बिना सिंपली ट्रेसपास कर लिया. ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी रूममेट है, मेरी रूममेट क्या करती है, मेरी अलमारी खोलती है, ट्रेसपास करती है और उसमें से बड़ा अच्छा सा ब्लैक टॉप निकाल के पहन के चली जाती है. दैट इज ट्रेसपास टू गुड्स. सिंपल, ट्रेसपास टू गुड्स इज डिफाइंड एज रॉन्गफुल फिजिकल इंटरफेरेंस विद गुड्स दैट आर इन द पोजेशन ऑफ अनदर. ठीक है, इसमें एक बात आती है कन्वर्जन की. ठीक है, इसके मैं आपको डैमेजेस भी पढ़ाती हूँ, पहले कन्वर्जन देखते हैं. कन्वर्जन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल नाम से पता चल रहा है कोई आपके गुड्स को ट्रेसपास तो कर रहा है. किसी ने मेरा टॉप पहना, वो ट्रेसपास तो किया, लेकिन वो उसको ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे वो उसका हो, उसने उसको कन्वर्ट कर लिया. व्हेन द पर्सन यूजेस इट एज इफ इट बिलोंग टू देम, दिस इज कन्वर्जन. अब क्या करता है, अब फॉर एग्जाम्पल समझो जो मेरी रूममेट है उसने मेरा ब्लैक टॉप पहना, तो वो दो चीज कर सकती है, एक तो उसे खराब कर सकती है, दूसरा उसको रख सकती है, नहीं दे रही वापस. यही तो दो तरीके हैं ना, और कुछ तो नहीं होगा. अगर वो वापस ही दे देगी तो कोई ट्रेसपास ही नहीं है. अगर या तो उसने खराब कर दिया या उसने उसको अपने पास रख लिया, डिटेन कर लिया. तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके की रेमेडी है, रेमेडी देता है ट्रेसपास की. पहली रेमेडी कह रहा है डिटेन्यू. डिटेन्यू वर्ड बना है डिटेन से. अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी डिटेन की है तो आपको डिटेन्यू रेमेडी मिलती है, और अगर उसने आपकी प्रॉपर्टी डैमेज की है तो आपको ये डैमेज मिलता है. डैमेज, व्हेन अ डैमेज इज कॉज्ड टू द गुड्स, डिफेंडेंट इज लायबल टू पे द कॉम्पेंसेशन. डिटेन्यू इन द लॉ, इन द टॉर्ट लॉ, डिटेन्यू इज एन एक्शन टू रिकवर फॉर द रॉन्गफुल टेकिंग ऑफ द पर्सनल प्रॉपर्टी. वेरी सिंपल वर्ड, समझ आ रहे हैं आपको सारे? ये छोटी छोटी वोकैबुलरी है जो बड़ा ही डिफिकल्ट करके पढ़ाई जाती है. इसको इतना जैसे मैं सिंपल करवा रही हूँ ना, उतना ही सिंपल समझना, इसको कॉम्प्लेक्स मत करना जानबूझ के. ठीक है, सो दिस इज कन्वर्जन. आगे पढ़ते हैं बाकी वीडियोस.